Hello students, so in the previous lecture we have talked about cancer, we have talked about the treatment of cancer, we have talked about various drugs that can cure cancer, we have talked about the viruses which causes cancer. So in today's lecture we are going to talk about drugs and alcohol abuse. So aaj ke lecture mein drugs and alcohol abuse ki baat karenge. ठीक है, सो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेडेटिव हिप्नोटिक्स, वी गोइंग टू टॉक अबाउट सेडेटिव हिप्नोटिक्स. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओपियोइड्स. ठीक है, एंड ओपिएट और ओपिएट नार्कोटिक्स. सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ओपियोइड्स या फिर ओपिएट नार्कोटिक्स, देन स्टिम्युलेंट्स. तो नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं, उन्हें स्टिम्युलेंट्स कहा जाता है. एंड हेलुसिनोजेंस की बात करेंगे. ठीक है, सो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में वी हैव सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ओपियोइड्स, स्टिमुलेंट्स एंड हेलुसिनोजेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज सेडेटिव हिप्नोटिक्स. तो अगर इस वर्ड को देखें अच्छे से तो यहां पे दो वर्ड दे रखे हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स. तो अगर मैं सेडेटिव की बात करूं तो सेडेटिव का काम होता है टू रिड्यूस द एक्साइटमेंट, अपनी बॉडी में अगर आप एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हो तो उसे कम करने का काम करता है सेडेटिव्स. तो मैंने लिखा है इट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट एंड दूसरी जो चीज है दैट इज हिप्नोटिक्स. हिप्नोटिक्स का काम क्या होता है? हिप्नोटिक्स इंड्यूसेस स्लीप. ठीक है, तो मैंने यहां पे दो चीजें लिखी है कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स मतलब वो ड्रग्स जो क्या करेंगे, जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने का काम करेंगे, उसी के साथ वो नींद भी इंड्यूस करेगा, आपको नींद भी आ जाएगी ड्रग्स लेने के बाद. ठीक है, देन दे डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम है उसे डिप्रेस कर देते हैं, मतलब उसका असर नहीं होने देते, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको कम कर देते हैं. ठीक है, नाउ इट दे ऑल्सो प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कॉमनेस. दे ऑल्सो इंड्यूस फीलिंग ऑफ कॉमनेस. ठीक है, एंड एक एग्जाम्पल अगर देखे सेडेटिव हिप्नोटिक्स का तो वी कैन टेक एज ट्रैंक्विलाइजर्स. दे आर ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सेडेटिव्स जो क्या करेंगे, एक्साइटमेंट को कम करने का काम करेंगे. तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू सेडेटिव. ठीक है, अगर क्लिनिकल यूज की बात करते हैं कि इन ड्रग्स को किस चीजों में यूज किया जाता है, so they are used as clinical use की अगर बात करें, so they are used as anti anxiety drugs. They are used as anti anxiety drugs. A person who has a lot of anxiety, तो अगर उनको ये drugs दिए जाएगी okay, तो ये drugs क्या करेंगे, उनकी anxiety को कम करने का काम करेंगे. ठीक है, तो जो क्लिनिकल यूज है दैट इज दे आर यूज्ड एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स. ठीक है, एग्जांपल अगर देखें
So example mein we have barbiturates. ठीक है एंड बारबिट्यूरेट्स के साथ वी कैन ऑल्सो पुट डाउन बेंजो डी एजिपाइन्स बेंजो डी एजिपाइन्स ठीक है सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल वन इज बारबिट्यूरेट्स एंड देयर इज बेंजो डी एजिपाइन्स ठीक है अगर दिस आर द क्लास ऑफ the sedative and hypnotics अगर accurate examples देखें तो accurate examples में I can put as Xanax ये class है ठीक है then there is Valium and Diazepam अगर सबसे पावरफुल ट्रैंक्यूलाइजर या पावरफुल सेडेटिव की अगर बात करें ओके जितने भी सेडेटिव्स है जितने भी ट्रैंक्यूलाइजर्स है उन सब में जो सबसे पावरफुल है तो अगर मैं उसका नाम मेंशन करूं दैट इज यहां लिख देता हूं मैं कारफेंटानिल ठीक है इट इज वन ऑफ द मोस्ट powerful sedative or the tranquilizer that is available that is called fentanyl ठीक है अब ये जो भी sedative या hypnotics होते हैं इनको किस तरीके से बनाया जाता है they are actually derived from barbituric acid they are derived from barbituric acid तो मैं रख करता हूँ और यहाँ लिखूँगा जो sedative drugs है या tranquilizers है They are derivatives of barbituric acid. Are derivatives of barbituric acid. ठीक है? So now barbituric acid क्या चीज़ है? तो barbituric acid is a mixture of मेलोनिक एसिड प्लस यूरिया मेलोनिक एसिड प्लस यूरिया ठीक है इज इट क्लियर तो जितने भी सेडेटिव्स है सेडेटिव्स एक्चुअली क्या है दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड जो मैंने अभी नाम लिखे थे ओके वेलियम लिखा था मैंने जेनेक्स लिखा था डाइजीपैम लिखा था सबसे पावरफुल वाला कारफेंटानिल लिखा हुआ है तो ये सब चीजें क्या है दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड And what is barbituric acid? Barbituric acid is the mixture of malonic acid plus urea. Okay? Now let's talk about the another category that is opioids or opiate narcotics. Opioids or opiate narcotics ठीक है when you talk about opioids and opiate narcotics so there is opium ठीक है opium comes under opioids और opiate narcotics काफी सारी चीजें आती है opiate narcotics के अंदर पहले मैं बात करता हूँ opium के बारे में opium क्या चीज है तो ओपियम इज ड्राइड लेटेक्स आपने देखा होगा कि कब जब आप प्लांट को कट लगाते हो तो अंदर से एक लिक्विड बाहर आता है दैट इज नोन एज द लेटेक्स सो इट इज अ ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनरिप्ड कैप्सुलर ऑफ अनरिप्ड कैप्सुलर fruits of poppy plant ठीक है so opium क्या चीज है opium is a dried latex of unripe
कैप्सुलर फ्रूट्स ऑफ पॉपी प्लांट्स. ओके, पॉपी प्लांट का अगर साइंटिफिक नेम लिखे पता होना चाहिए, दैट इज पेपावर सोमनीफेरम. Pepperwort somniferum is the scientific name of what? Of the poppy plant. ठीक है, तो जो Pepperwort somniferum के जो fruits है ना, उसके पास capsular fruits होते हैं, उनके अंदर से जो latex निकलता है, okay, जो liquid निकलता है उसको सुखाते हैं. ठीक है, so that is termed as opium, dried latex जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, and it should be unripe, पका हुआ fruit नहीं होना चाहिए. अगर पका हुआ fruit होगा तो it is going to be useless. It should be unripped capsular fruit. ये भी आपको दिमाग में रखना है. If it is ripped, तो आप उसका जो इफेक्ट है, ड्रग्स वाला इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा. अगर आपको ड्रग्स वाला इफेक्ट चाहिए तो उसको आपको कच्चा यूज करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ देयर आर रिसेप्टर्स ऑफ ओपियोइड्स प्रेजेंट इन द ब्रेन. Receptor of opioids are present in brain. ठीक है, या फिर अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करके लिखूं, so present in central nervous system and the gastrointestinal tract. Okay, receptors of opioids are present in the CNS and the gastrointestinal tract, and that is the reason the body reacts to it. है ना, अगर अपने brain में या अपने system में उसके receptors नहीं होते तो आप opioids consume करते तो आपके ऊपर कोई impact नहीं आता. The reason the body is reacting, the reason body is showing the reaction is because there is receptor present in the central nervous system, okay, that is the brain and the nerve cord and the gastrointestinal tract. ठीक है, क्या काम करेगा opioids? Opium क्या काम करेगा? It slows down respiratory activity, activity, as well as it causes constriction of pupil. जो pupil है, okay, वो क्या हो जाएगा? Constrict हो जाएगा. उसकी size, उसका जो diameter है, वो काफी छोटा हो जाएगा. ठीक है? Then it suppresses brain function. ठीक है, इट रिलीव्स इंटेंस पेन. आई एम सॉरी, ब्रेन लिखा है, इट रिलीव्स इंटेंस दर्द. जो है आपको दर्द कम करने का काम करेगा. सो बिकॉज इट हैज द पावर टू रिड्यूस पेन, ओके, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनाल्जेसिक ड्रग. ठीक है, यहां पर मेंशन करता हूं, मेंटल एंड फिजिकल पेन, मेंटल एंड फिजिकल पेन, एंड दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज एनाल्जेसिक ड्रग. ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच हैव द एबिलिटी टू रिलीव पेन. ठीक है, तो ये मेंटल एंड फिजिकल पेन को रिलीव कर सकता है, इसलिए वी कैन टर्म इट एज द एनाल्जेसिक ड्रग. ठीक है, ओपियम्स, जितने भी ओपियम्स आएंगे सब क्या है? एनाल्जेसिक ड्रग्स है. ठीक है, तो ये आपकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सप्रेस ब्रेन फंक्शन, ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है उसे रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? अगर ब्रेन की फंक्शनैलिटी कम हो जा रही है, दैट इज द रिसेप्टर्स, ओके, जो भी अपनी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स है फॉर पेन है, हंगर है,
थर्स्ट है वो सब क्या हो जाएगी, वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे. तो रिलीव्स इंटेंस पेन एंड मेंटल एंड फिजिकल पेन भी कम करने का काम करते हैं. ठीक है, सो जो प्लांट है, प्लांट का नाम आपको याद रखना, दैट इज पेपावर सोमनीफेरम. ठीक है, नाउ ओपिएट नार्कोटिक्स या फिर ओपियोइड जो है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. They can be divided into three categories. One is natural, natural opioids, ठीक है. Then there is semi synthetic opioids, and the last is सिंथेटिक ओपियोइड्स. ठीक है, सो नेचुरल में कौन आते हैं? अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में आते हैं मॉर्फीन एंड कोडीन. मॉर्फीन एंड कोडीन सेमी सिंथेटिक में आते हैं हेरोइन, एंड सिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं पेथिडाइन ठीक है एंड मेथाडोन. पेथिडाइन एंड मेथाडोन, हेरोइन, मॉर्फिन एंड कोडीन. सो नाउ वी हैव द कैटेगरी यार, मॉर्फिन नेचुरल में आता है, हेरोइन सेमी सिंथेटिक में आता है, एंड मेथाडोन सिंथेटिक ओपियोइड्स या फिर ओपिएट नार्कोटिक्स में आता है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फिन फर्स्ट. सो अगर मॉर्फिन की बात करते हैं, so morphine is a post operative surgery is given after or is given to patients during the post operative सर्जरी. कोई सर्जरी हुई है, इंटेंसिव सर्जरी हुई है, तो पोस्ट सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद देयर वुड बी लॉट ऑफ पेन इन द बॉडी, पेशेंट की जो बॉडी है जिसमें काफी पेन हो सकता है, तो उस पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है पेशेंट्स को. ठीक है, ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस पेन, मैंने आगे लिख दिया है इट इज एनाल्जेसिक. ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इट इज द मेन alkaloid which is present in opium, which is present in opium. ठीक है, जो main alkaloid है opium में, जो latex अपन ने बोला, okay, so that is what, that is morphine. ठीक है, तो morphine is given to patients who have undergone the surgery. ठीक है, analgesic इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी पेशेंट्स को दिया जाता है, जो क्या करेगा, पेन को रिड्यूस करने का काम करेगा. ठीक है, देन देयर इज कोडीन. कोडीन की अगर बात करते हैं तो कोडीन इज अ माइल्ड एनाल्जेसिक, काफी ज्यादा पेन कम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत पेन करने कम करने का काम करेगा. इट्स माइल्ड analgesic. ठीक है, and it is used in, because it's a mild analgesic, it is used in cough syrup. इसे cough syrup में use किया जाता है. ठीक है,
देन बात करते हैं सेमी सिंथेटिक कैटेगरी की, जिसमें अपन ने लिखा हेरोइन, रट दिस डाउन, ये दोनों मॉर्फिन एंड कोडीन किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल ओपियोइड्स को बिलोंग करते हैं। सेमी सिंथेटिक कैटेगरी की अगर बात करें, सो वी हैव हेरोइन, ठीक है, हेरोइन इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन या फिर डायमॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन या फिर डायमॉर्फिन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन जो नेचुरल ओपियोइड था उसके एसिटाइलेशन के थ्रू हेरोइन मिलेगा, मैं लिखता हूं ऑब्टेन्ड थ्रू एसिटाइलेशन, आपको पता है कौन सा प्रोसेस है एसिटाइलेशन, सो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हेरोइन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉर्फिन, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज मोस्ट एडिक्टिव, सबसे ज्यादा जो एडिक्शन हो सकता है वो हेरोइन की तरफ हो सकता है, ठीक है। और हेरोइन को कहां से ऑप्टेन किया है, तो ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोसेस दैट इज एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। हेरोइन इज मोस्ट एडिक्टिव, इट इज ऑल्सो नोन एज स्मैक या फिर, दिस आर वेरी कॉमन नेम्स, स्मैक एंड ब्राउन शुगर, ठीक है। फिर इट इज थ्री टाइम्स मोर पावरफुल या फिर मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, मॉर्फिन से ही ऑप्टेन किया गया है, बट इट इज मोर पावरफुल, ओके, थ्री टाइम्स मोर पोटेंट, मोर पावरफुल देन द मॉर्फिन, एंड हाउ डज अ पर्सन टेक इट, सो इट कैन बी स्नॉटेड, आप इसे इनहेल कर सकते हो, इट कैन बी इनहेल्ड, आपने मूवीज में देखा होगा किस तरीके से इनहेल करते हैं, ठीक है, या फिर वी हैव अ टर्म फॉर इट दैट इज स्नॉटेड। Then, injection के through blood vessels में, veins में inject कर सकते हैं, so आप inhale कर सकते हो, आप inject कर सकते हो, या फिर आप directly oral consumption भी कर सकते हो, सीधा खा सकते हो इस चीज को, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट, जल्दी इंपैक्ट पड़ेगा जब आप इसे इंजेक्ट करोगे अपने ब्लड वेसल्स में। अब यहां पे होता क्या है कि जब आप इंजेक्ट कर रहे हो हेरोइन को, ड्रग्स को अपने ब्लड वेसल्स में, तो ग्रुप में इस चीज को इंजेक्ट किया जाता है, तो काफी सारे लोग साथ में होते हैं और वो लोग एक ही सिरिंज, एक ही नीडल यूज करते हैं टू इंजेक्ट दिस हेरोइन इन दी बॉडी, ठीक है। तो होता क्या है यहां पे, दिस रिस्क ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस, chances of AIDS and hepatitis increases because there is sharing of needle, ठीक है। So this was about the heroin, which is a semi-synthetic drug derived from the morphine itself, ठीक है, but it is more powerful, more addictive than morphine. अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स की, आई एम सॉरी सिंथेटिक ड्रग्स की, सो दैट इज पेथिडाइन, और अदर ड्रग दैट इज पेथिडाइन, पेथिडाइन की अगर बात करें इट इज
chemically unrelated to morphine, but chemically unrelated to morphine, ठीक है, but effects are similar to morphine. Effects are similar to morphine. ठीक है, so it is much more safer than the previous drugs because it causes less release of histamine. Histamine क्या है? एक allergy के time पे produce होता था, mast cells produce करते थे histamine का. तो जो pethidine drug है ये क्या करता है? Histamine का production कम करता है by the muscle. Okay, so it is safer for the patients suffering from asthma. Melbourne is safer for asthmatics. Safer for asthmatics. Cause क्यों safer asthmatics के लिए? Because it causes ठीक है safer for asthmatics because low amount of histamine is released kaun release karega by mast cells theek hai. सो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको ये ड्रग दिया जा सकता है बिकॉज ये क्या करता है, ये इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी नहीं दिखाता है और जो मसल्स है वो काफी लो अमाउंट ऑफ हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं. सो दे कैन बी टेकन बाय द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अस्थमा. ठीक है, देन देयर इज अनदर ड्रग दैट इज मेथाडोन. अगर मेथाडोन की बात करें तो मेथाडोन क्या है? इट्स केमिकली अनरिलेटेड टू मॉर्फिन. इफेक्ट्स सिमिलर टू द मॉर्फिन, सेम है, केमिकली unrelated to morphine, but effects similar to morphine. ठीक है, मतलब जो methadone है और जो मैंने आगे बताया pethidine, ये दोनों almost same है क्योंकि वो भी क्या था, chemically unrelated to morphine था but effects were similar to morphine. ठीक है, तो ये हो गई अपनी ओपियोइड्स एंड ओपियोइड नार्कोटिक्स की पूरी कैटेगरी खत्म. अब आगे चलते हैं और तीसरी कैटेगरी जो थी दैट वाज स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स देखते हैं. ठीक है, तो व्हाट आर स्टिमुलेंट्स? तो नाम से आपको पता चला है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा. ठीक है, क्या लिखते हैं अपन? It stimulates nervous system. Nervous system को stimulate करने का काम करेगा. उसी के साथ it increases alertness and makes person wakeful. Increases alertness and makes person wakeful. ठीक है,
That means if you are feeling sleepy, if you are feeling lack of attention नहीं है आपका, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो चीज़ों पर, तो आप इन stimulants, इन drugs को अगर consume करोगे तो ये क्या करेगा, आपका concentration increase करने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी nervous system को stimulate करेंगे, plus अगर आपको नींद आ रही है तो आपकी नींद उड़ाने का भी काम करेंगे, ठीक है। तो आपको example तो पता चल गया होगा, caffeine, ठीक है, caffeine जो होता है वो ये काम करता है। काफ़ी सारी drinks जो energy drinks आती है, for example Red Bull की अगर बात करें, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक की बात करें, रिच इन कैफीन, तो वो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, आपको अलर्ट बना देते हैं, प्लस आपको नींद नहीं आती, ठीक है। सो जो स्टिमुलेंट्स है इनका क्लिनिकल यूज क्या है, तो क्लिनिकल यूज की अगर बात करें, सो दे कैन बी गिवन टू पीपल हु आर अटेंशन डिफिशियंट, can be used by people who are attention deficient, जो ध्यान नहीं दे पाते चीजों पर, okay, वो ये use कर सकते हैं। Then narcolepsy, people suffering from narcolepsy can be given the stimulants, ठीक है, then it can be used for weight control, ठीक है, weight को control करने में भी help करते हैं। तो example देखिए इनका कौन कौन सी चीजें हैं। So जैसे एक बता दिया मैंने आपको caffeine, ठीक है, देन देयर इज कोकेन एंड देयर इज एम्फेटामिन्स, एम्फेटामिन्स, ठीक है। सो दिस आर ऑल्सो ड्रग्स, बट दिस ड्रग्स आर स्टिमुलेंट्स, जो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ड्रग्स कोई अलग चीज है और ये कुछ अलग चीज है, दे आर द सेम, ओके, दे आर वर्किंग एज स्टिमुलेंट्स। आगे आपने देखा था कि वो आपके नर्वस सिस्टम को क्या कर रहे थे, डिप्रेस कर रहे थे, है ना, सप्रेस कर रहे थे आप बोल सकते हो, बट दिस आर स्टिमुलेंट्स। सो क्लिनिकल यूजेस कैन बी यूज्ड बाय पीपल हु आर अटेंशन डेफिशिएंट, नार्कोलेप्सी के पेशेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड वेट कंट्रोल के लिए आप स्टिमुलेंट्स को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कैफीन, कोकेन एंड एम्फेटामिन्स। अगर कैफीन की बात करें, वेर डू वी ऑब्टेन कैफीन फ्रॉम, ठीक है, तो कैफीन इट इज साइंटिफिकली रिटन एज 137 ट्राइमिथाइल, 137 ट्राइमिथाइल जेंथीन, ठीक है, सो इट इज रिटन एज 137 ट्राइमिथाइल जेंथीन। वेर डू यू ऑब्टेन इट फ्रॉम, सो वी कैन गेट इट फ्रॉम लीव्स ऑफ टी प्लांट, ठीक है, टी प्लांट में आपको कैफीन मिल सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट में। द साइंटिफिक नेम ऑफ टी प्लांट पता होना चाहिए, दैट इज थिया साइनेसिस, थिया साइनेसिस, ठीक है, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज थिया चाइनेसिस, ठीक है, डन, थिया साइनेसिस एंड थिया चाइनेसिस भी कहा जाता है टी प्लांट को। देन देयर इज सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट में से आपको कैफीन मिलेगा, वो तो पता ही सबको, सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट,
कॉफी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? सो कॉफी प्लांट का साइंटिफिक नेम है कॉफिया अराबिका, कॉफिया अराबिका, ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉफी प्लांट, कॉफिया अराबिका. देन एक और जगह से मिलेगा कैफीन, दैट इज सीड्स ऑफ कोकोआ प्लांट. सीड्स ऑफ कोकोआ प्लांट आपको मिल सकता है, विच इज साइंटिफिकली रिटन एज थियोब्रोमा थियोब्रोमा, ठीक है, कैकोआ. थियोब्रोमा कैकोआ, ठीक है, दैट इज साइंटिफिक नेम फॉर द कोकोआ प्लांट. कॉफी प्लांट का साइंटिफिक नेम कॉफिया अरेबिका. टी प्लांट का थिया साइनेसिस या थिया चाइनेसिस, ठीक है. तो ये जगहों पे से वी कैन एक्सट्रैक्ट दी कैफीन, ठीक है. सो इफेक्ट्स अगर देखें स्टिमुलेंट्स की, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द स्टिमुलेंट्स, आपको साइंटिफिक नेम्स याद करने पड़ेंगे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफेक्ट्स अगर देखें स्टिमुलेंट्स के क्या है, अगर स्टिमुलेंट्स को यूज किया जाता है तो क्या इंपैक्ट आएगा बॉडी के ऊपर, तो इट इंक्रीजेस कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी. इट इंक्रीजेस कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, है ना. अपने स्टार्टिंग में लिखा है इट इज अ स्टिमुलेंट, तो स्टिमुलेंट क्या करता है, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा. इट डिस्टर्ब्स रीनल फंक्शन, जो किडनी की फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो काफी बढ़ जाएगा, ठीक है. इट मेक्स पर्सन माइल्ड डायुरेटिक, इट मेक्स पर्सन माइल्ड डायुरेटिक, ठीक है. एक और चीज जो ये कॉज कर सकता है, दैट इज इनडाइजेशन. हाइपर एक्टिविटी की वजह से, नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेट हो जाने की वजह से इट कैन ऑल्सो कॉज इनडाइजेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द स्टिमुलेंट्स, इंक्रीज इन कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, इट डिस्टर्ब्स द रीनल फंक्शन, ठीक है, रीनल फंक्शन को डिस्टर्ब करने का काम करेगा, ठीक है. मेक्स द पर्सन माइल्ड डायुरेटिक, इंडाइजेशन भी हो सकता है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसकी वजह से वेट लूज भी हो सकता है, ठीक है. तो जो मैंने स्टिमुलेंट्स की बात करी है, मैंने मेंशन किया है कोकेन, ओके, कैफीन एंड एम्फिटामिन्स की बात करिए तो उनको डिटेल में विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. यहाँ पे मैंने आपको जो इफेक्ट्स बता दिए हैं और स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया. तो जो डिटेल है कोकेन के बारे में, कोकेन कहाँ से ऑप्टेन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है. आप उसे व्हाट यू कॉल फ्रॉम द टी प्लांट आप ऑप्टेन कर सकते हो. द साइंटिफिक नेम जो है टी का, दैट इज थिया साइनेसिस और थिया चाइनेसिस, नाम आपको याद रखना पड़ेगा. सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट आप ऑप्टेन कर सकते हो कैफीन को, द साइंटिफिक नेम इज कॉफिया अराबिका. एंड कोकोआ प्लांट जो है उसकी सीड में से भी आप ऑप्टेन कर सकते हो, द साइंटिफिक नेम ऑफ द कोकोआ प्लांट इज थियोब्रोमा कैकोआ, ठीक है. सो मेक श्योर आप साइंटिफिक नेम्स को अच्छे से पढ़ो, मैंने आप आपको इफेक्ट्स भी बता दिए. सो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्टिमुलेंट्स, दैट इज कोकेन, ठीक है, कैफीन एंड एम्फिटामिन्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर दिस सेशन, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द फर्दर डिटेल्स. आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू कर लिया है, अच्छे से नोट्स बनाई हैं आप लोगों ने. काफ़ी टाइम से आप लोग की नोट्स नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है, तो मेक श्योर करो आप नोट्स बना के मुझे भेजो. एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड के लिए भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, सो मेक श्योर आप अच्छे से वीडियो देखो, ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द सेशन, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक मोर अबाउट
the details. ठीक है, थैंक यू सो मच.